नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेक्निकल गेमर चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि मैं आपको GTA San Andreas का एक मोड लाने वाला हूँ जो कि काफ़ी हाई ग्राफिक में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये मोड मैं अब ले आया हूँ, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस मोड में आपको क्या क्या मिलने वाला है। मैं आपको इसका गेम प्ले भी करके दिखा दूँ और आपको बता भी दूँगा कि आप इस मोड को कैसे आपके एंड्रॉयड डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इसका गेम प्ले दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा गेम ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको कौन कौन से न्यू पैक मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसमें कोई सा भी सुपर हीरो बन सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, आपको स्क्रॉल डाउन करना है यूं करके, तो फ्रेंड्स आपका चीट कोड ओपन हो जाएगा। तो आपको मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि आप किस प्रकार कोई सा भी सुपर हीरो बन सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने स्क्रॉल डाउन कर लिया, फिर आपको यहाँ पर स्किन सिलेक्टर पे आना है और फिर क्लिक करना है सेंटर में, फिर आप कोई सा भी सुपर हीरो बन सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसको चुन लिया और फिर राइट पे दबा दिया, तो ये मैं दूसरा बन गया, फिर मैं दूसरा बन गया। ऐसे ही आप कई सारे बन सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कई सारे हैं, नीचे भी कई सारे हैं, और आप इसको यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके और दूसरे बन सकते हैं। आपको इसमें कई सारे न्यू हीरोज़ मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सुपरमैन बन के दिखा देता हूँ। आपको सुपरमैन बनने के लिए सिर्फ इस पे राइट पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे इस आइकॉन पे क्लिक कर देना है, तो आप सुपरमैन बन जाएंगे। और आपको इसमें आयरन मैन का फीचर्स भी मिल जाता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको सिंपली आयरन मैन के फीचर ओपन करने के लिए उसका जो पावर रहता है वो ओपन करने के लिए आपको बंदूक के आइकॉन पे देख सकते हैं। बिल्कुल आयरन मैन जैसे फूटता है वैसे ही फूट चुकी है। मैं एक और आपको एक और बार दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं और आप इसमें उड़ भी सकते हैं। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे फ्लाइंग पे क्लिक करना है, तो फिर आप आसानी से इसमें उड़ भी सकते हैं। और फिर और रफ्तार से उड़ने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें भी पुलिस की भी नई नई कार आ चुकी है। आपको इसमें पुलिस की भी नई नई कार मिल जाएंगी और काफ़ी सारी नई बाइक्स, ये देख सकते हैं आप। एक फ्रेंड्स, एक बाइक आ गई है नई है जो कि आपको इसमें और भी कई सारी नई बाइक्स मिल जाएंगी, आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, ये तो नई बाइक आ चुकी है और ऐसी कई सारी नई बाइक भी मिल जाएंगी आपको इसमें। आपको इसमें एक स्कूटी भी मिल जाएगी और आपको काफ़ी सारी सुपर बाइक भी मिल जाएगी। हथियार मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे आके मेन्यू वेपन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं इसमें आपको काफ़ी सारे नए वेपन्स मिल जाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको सुपर वेपन्स मिल जाते हैं इसमें। और फ्रेंड्स, आपको इसमें काफ़ी सारी नई बंदूक भी मिल जाएंगी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको नई काफ़ी सारी गन्स भी नई मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये डाउनलोड कैसे करना है। तो आप सारी स्टेप्स ध्यान से देखिए, नहीं तो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है,
तो फ्रेंड्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ये दो लिंक दिए, आप यहाँ पे क्लिक करके एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जीटी सेंड्रांस की। और अगर आपको ऐप डाउनलोड नहीं करना तो आप ऐप डाउनलोड मत कीजिए, मैं आपको, और आप यहाँ से इसका मोड पैक डाउनलोड कर सकते हैं, सुपर हीरो मोड पैक। तो फ्रेंड्स आप इस लिंक पर क्लिक करके आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं मोड पैक को। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको आपके प्ले स्टोर से जेड आर्चीवर इंस्टॉल करना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आपको जेड आर्चीवर कैसे इंस्टॉल करना है। आपको प्ले स्टोर पर जेड आर्चीवर सर्च करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जहाँ पर इसको डाउनलोड किया है आपको वहाँ पर जाना है। जैसे कि मैंने इसको माई डाउनलोड से डाउनलोड किया था, तो आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड करके रखा है। तो आप जैसे इसको डाउनलोड कर लेंगे आपके सामने इस प्रकार की जिप फाइल आ जाएगी। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और फिर एक्सट्रैक्ट यहाँ पे क्लिक करना है। और फिर आपको ये यहाँ से बैक आना है और फिर आपको आपके एसडी कार्ड के एंड्रॉयड में डेटा में जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको ऑलरेडी पेस्ट करके रखा है तो मैं पेस्ट नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स पेस्ट करने के बाद आप इसको जीटी सिंड्रास को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे आप इसको प्ले कर सकते हैं। फ्रेंड जैसे आप इस गेम को ओपन करेंगे तो आपकी यहाँ पे लैंग्वेज चेंज आएगी। तो आपको लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको तीसरे ऑप्शन पे जाना है और फिर आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है और लास्ट में आना है। और फिर आपको इस आइकॉन पे लैंग्वेज को यहाँ पे फर्स्ट आपको लैंग्वेज इस प्रकार की लैंग्वेज आएगी तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक कर देना। तो आपकी लैंग्वेज इंग्लिश में हो जाएगी। और आपको अगर ग्राफिक लो में हो तो आपको फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्लिक करना है। और फिर ग्राफिक यहाँ पे ब्राइटनेस 60 या 61 कितने पे भी सेट कर सकते हैं। रेवोल्यूशन हाई करना है और आपकी मर्जी से और भी ग्राफिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी मर्जी से ग्राफिक कर लिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको स्टेप्स सारी बता दी हैं कि आप किस प्रकार आप जीटी सैंड्रास का ये मोड आपके एंड्रॉइड डिवाइस में चला सकते हैं और आप कोई सा भी सुपर हीरो चुन सकते हैं आपकी मर्ज़ी से। तो फ्रेंड्स अगर आपको और कोई सा भी गेम चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।